सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। चीन का आइलैंड अड्डा, चीन ने पूरा आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया है और ये आइलैंड पूरी तरह से हथियारों से लैस है। ये पूरा आइलैंड ऐसा है जैसे हथियारों का जखीरा। चीन का ये आइलैंड जो उसने बड़ी चुपके से और शांति से बनाया है, साउथ चाइना की तरफ, साउथ की तरफ समुद्र में बनाया है। पूरा का पूरा आइलैंड जो है ये आर्टिफिशियल है। यहाँ पर रहने की जगह से लेकर फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और इसके अलावा युद्धपोत और परमाणु बम भी तैनात हैं। दोस्तों स्क्रीन पर यह हाल देखिए, ये देखिए, ये पूरा आर्टिफिशियल है। जी हाँ, ये कोई आइलैंड नहीं है बल्कि चाइना ने इसको खुद बनाया है, जिस पर रडार, रनवे, मिसाइल, बैरक, चीन की पूरी दादागिरी यहाँ पर नजर आई है। दक्षिण चीन सागर में पूरा का पूरा इसने आइलैंड बना लिया है जो हथियारों से लैस है। यहाँ इस आइलैंड को इस तरह से बनाया गया है कि इसके ऊपर से एक परिंदा भी बिना इजाज़त के नहीं गुजर सकता। इतना ही नहीं, इसमें रडार सिस्टम तक पूरी तरह से तैनात है और ऐसा इसमें टेक्निक यूज़ किया गया है कि रडार पर यहाँ तैनात मिसाइल, यहाँ तैनात हथियार पकड़ में नहीं आते हैं। चाइना का अब तक का ये सबसे एडवांस प्रोजेक्ट साबित हो रहा है, जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। दोस्तों चीन के दक्षिण चीन सागर में ऋषि द्वीप अब अभेद किला बन चुका है, पूरी तरह से खतरनाक, जिसे कोई भेद नहीं सकता। इन द्वीपों की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाल में ही इन द्वीपों की ये तस्वीरें सामने आई हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में द्वीप को डेवलप करने और सैन्यकरण को मजबूत करने का काम नजर आ रहा है। इस तस्वीरों में इमारतों और अन्य बिल्डिंग और जो एक मंजिला इमारत देखेंगे वहां पर भी हथियार, रडार, एयरफील्ड और नेवल गन आपको तैनात नजर आएगी। इन तस्वीरों को सेपरेटली द्वीप समूह ने मानव निर्मित किले के पास एक विमान में उड़ान भरने वाले फोटोग्राफर एजरा अकायन ने अपने कैमरे में कैद किया है। यानी दुनिया को यह पता ही नहीं था कि चीन ऐसा कुछ कर रहा है। ये सोच के देखिए, पता ही नहीं था कि चीन ऐसा कुछ कर रहा है, अचानक ये तस्वीर आई और एक और चाल दुनिया के सामने खुल गई है। वहीं दोस्तों ऐसी ताकतें देखने के बाद अमेरिका सबसे ज़्यादा सहमा हुआ है चीन से। चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता चुका है, अब ईरान नहीं, अब सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए चाइना बना हुआ है। और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर खुद ही कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में चीन के डर की वजह से भारत का फायदा हो गया है। अमेरिका ने बड़ी बात भारत के लिए कह दी है, कहा है कि भारत को हम चीन के खिलाफ सारी मदद देंगे और हम और अपने रिश्ते भारत सरकार से और भारत से मजबूत और गहरे करेंगे, एडवांस रिश्ते करेंगे। ये सब दोस्तों इसलिए क्योंकि चाइना अमेरिका की पूंछ पर पैर रख के खड़ा है, वरना यही अमेरिका कल तक भारत को S-400 लेने पर धमकी दे रहा था और अपना डिफेंस सिस्टम देने से इनकार कर चुका था। वहीं ताइवान के मिनिस्टर ने बड़ा बयान देते हुए चीन को सलाह दी है कि अपनी जो तलवार खनखनाती भी है उसको जेब में रख लें, क्योंकि आपसी टकराव से हमारे बीच गहराइयां, दूरियां बढ़ रही हैं और इससे हम दोनों का ही नुकसान हो रहा है। समझदारी इसी में है कि बिना लड़ाई के मसले को निपटाया जाए, क्योंकि जंग से दोनों का नुकसान है। दोस्तों वीगर मुसलमानों का हाल चीन में आपको पता है कितना बुरा है। अब अपनी जान बचाकर जो चीन से फरार हुए हैं, भागे हैं, वो थाईलैंड वीगर मुसलमान कुछ गए, थाईलैंड ने भी उन वीगर मुसलमानों को उठाकर जेल में बंद कर दिया। ऐसे में वीगर मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया जेल से बदतर है और जहन्नुम से बुरी हो चुकी है। OIC जो कश्मीर पर बहुत फुदक रहा था, वीगर मुसलमानों पर और भारत के तमाम मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर खामोश। एक और बड़ी बात बता दूं जिससे अमेरिका चिढ़ सकता है, तड़प सकता है, वो ये है बड़ी खबर कि शी जिनपिंग आने वाले कुछ ही दिनों में सऊदी अरब जा सकते हैं। इसके बाद सऊदी अरब चाइना के बीच काफ़ी बड़ी और अहम डील हो सकती है जो अमेरिका को बहुत परेशान कर सकती है। वहीं आपको मालूम है कि गाम्बिया में बल्कि कई देशों में भारतीय कफ सिरप पीने के बाद सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। अब गाम्बिया ने भारत सरकार को झटका देते हुए रकम मांगी है।
कि हमारा जो नुकसान हुआ है कंपनसेट आपको करना पड़ेगा, आपको भरपाई करनी पड़ेगी। एक बार फिर चाइना की वुहान लैब फिर से चर्चा में आ गई है। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि जानवरों की मार्केट है चाइना में और वहाँ एक वुहान लैब है, उसके अंदर चाइना कुछ ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कोविड-19 वहीं से लीक हुआ है और पूरी दुनिया आज उस मुसीबत में घिर चुकी है। वहीं दोस्तों अमेरिका ने उंगली करके जो अपनी सरकार पाकिस्तान में बनाई और पाकिस्तान में अमेरिका के तटपूंजी जो सरकार आई है उसने आते ही पत्रकार को मरवा दिया और दूसरे पत्रकार को गिरफ्तार करने का नोटिस दे दिया, फर्जी केसेस दायर करने लगे और इमरान खान तक को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाने लगी। अरशद शरीफ का मुद्दा आपको मालूम है, इस पाकिस्तान की आतंकवादी सरकार ने अरशद शरीफ तक को मरवा दिया अमेरिका के साथ मिलकर। अब अरशद शरीफ इमरान खान की पार्टी और पाकिस्तान के लोगों के लिए रेड लाइन बन गए थे। अरशद शरीफ जर्नलिस्ट इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उन्हीं की मौत के बाद इमरान खान पीटीआई की पार्टी ने, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, जो कि लॉन्ग मार्च अब पाकिस्तान के कोने कोने में शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस वक्त सड़कों पर है और पूरा पाकिस्तान इस वक्त गूंज रहा है। देखिए ये तो आपने देख ही लिया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शहबाज शरीफ के समर्थक न हो। इमरान खान एक गली से गुज़र रहे थे, मोहल्ले से गुज़र रहे थे, वहीं इमरान खान के विरोधियों ने उनको घड़ी चोर कहकर पुकारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं किम जोंग उन ने, यानी नॉर्थ कोरिया ने, समुद्र से दो शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल दाग दी है, जिससे साउथ कोरिया भड़क गया है और कहा है कि यह सरासर गलत है और उकसाऊ कार्रवाई है। वहीं चीन के खिलाफ जापान भी खड़ा हुआ है और जापान को भी डर है कि चाइना उस पर हमला ना कर दे। इस वजह से अमरीका के दोस्त जापान ने अमरीका से टोमाहॉक क्रूज मिसाइल
अमेरिका से खरीदने का फैसला किया है। वहीं अब भारतीयों के लिए एक बुरी खबर, अमेरिका में भारतीय छात्रों की एक कार जिसमें 7 भारतीय सवार थे, उनकी कार अमेरिका में एक चलते हुए ट्रक से जाकर टकरा गई जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। मरने वालों के नाम हैं प्रेम कुमार रेड्डी जो 27 साल के थे, पवनी गुल्ला पल्लवी जो 22 साल की थी, साई नरसिम्हा जो कि 22 साल के थे। ये तीनों मारे गए हैं इस हादसे में। अमेरिका ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका में एक जगह है ओक्लाहोमा, वहां पर एक घर के अंदर बुरी तरह से आग लग गई। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है आग कैसे लगी, लेकिन इस आग की वजह से 8 अमरीकी मारे गए। और जैसा मैं अक्सर आपको अब बता ही रहा हूं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट डच के एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में घुसा और चलते हुए प्रोग्राम में टेबल पर चढ़ कर बैठ गया और अपने हाथ को ग्लू से उस टेबल पर चिपका लिया। देखिए तस्वीरें। इस मामले को पूरी तरह से पूरे ही डच लोगों ने अपने टीवी चैनल पर देखा क्योंकि ये लाइव चल रहा था प्रोग्राम। इसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने उस शख्स को टेबल समेत उठाया और किनारे ले जाकर टेबल को पलट दिया जिससे वो टेबल से अलग हो गया। बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दोस्तों आपको पता तो चल ही गया होगा, हमने आपको काफ़ी पहले ही बता दिया था, परसों भी आपको जानकारी दे दी थी रूस के ही अपडेट में आखिर में। अब आपको बता दूं कि ट्विटर एलन मस्क ने ख़रीद लिया और एलन मस्क ने ख़रीदते ही 2 भारतीयों को झटका दे दिया है। पराग अग्रवाल, जी हाँ, जो बहुत ज़्यादा फुदक रहे थे और अंधभक्त इनको बहुत मानते थे और कहा यह जाता था कि ट्विटर में भक्तों के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई इसीलिए नहीं होती क्योंकि पराग अग्रवाल CEO के कर्ता धर्ता बने हुए थे। जैसे ही ट्विटर के मालिक बने एलन मस्क, सबसे पहले लात पराग अग्रवाल को पड़ी, इसके बाद जबरदस्त मीम की बरसात शुरू हो गई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की भी स्टेटमेंट आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब ट्विटर सही हाथों में गया है, मैं काफ़ी खुश हूं इस फैसले से। वहीं आपको बताऊं अफगानिस्तान में फिर से बवाल की आहट शुरू हो गई है। तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान के लड़ाकुओं ने हमला कर दिया उनके फाइटर व्हीकल के ऊपर जिससे 5 तालिबानियों की मौत हो गई है। वहीं दोस्तों टोर्नेडो, कैनेडा के इलाके टोर्नेडो में चाइना ने चुपके से अपने 3 पुलिस स्टेशन खोले हुए थे, उसका खुलासा हो गया है और अब कनाडा उसकी जांच कर रहा है। दोस्तों दुनिया भर की ये कुछ बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने मैंने रख दी। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।